जी शेख, मेरा सवाल उन्हें कुछ अपने भाइयों से था कि शेख, वो उनकी 14 साल की उम्र हो गई है, तो मैं सवाल ये पूछना था कि एक इंसान किस उम्र में जाके बालिग होता है, और अगर कोई उम्र नहीं होती तो ऐसी कौन निशानियां हैं जिससे हम पता लगा सकें कि वो बालिग हो चुका है। जी शेख, इनका सवाल थोड़ा रिपीट करें। इनका जी सवाल बुलूगत के ताल्लुक से है शेख, कि किस उम्र में इंसान बालिग होता है या क्या निशानी है उसकी। जी देखिए, बलूगत की 5 निशानियां हैं। उन 5ों में से कोई एक भी पाई जाए तो इंसान बालिग माना जाएगा। 5 का मतलब ये नहीं कि 5ों एक साथ पाई जाना जरूरी है। 5ों में से कोई एक भी पाई जाए तो इंसान बालिग है। पहली अलामत है 15 साल उम्र। दूसरी अलामत है जो है मखसूस जगहों पर बाल का उगना। तीसरी अलामत है एहतलाम। ये 3 अलामतें ऐसी हैं जो मर्दों और औरतों दोनों के लिए हैं, नहीं लड़के लड़कियों दोनों के लिए। चौथी अलामत है हैद का आना, ये औरत के लिए खास है। 5वीं अलामत है जो है हमल का हो जाना, ये भी औरत के साथ खास है। तो इन में से कोई एक अलामत भी पाई जाए किसी के अंदर तो वो बालिग माना जाता है। जी जी शेख, भाई तो भाई आपने ऐसे फरमाया कि मखसूस जगह पर बाल आना, तो मैं सवाल ही पूछना था कि उस जगह पे अगर जरा जरा से अगर असरात भी अगर जाहिर हो जाए तो फिर वो बालिग हो जाता है इंसान, और बाकी कोई और निशानी जाहिर ना हो। जी बिल्कुल, वो बालिग माना जाएगा।